राम राम सभी ने। आज की वीडियो जो है सुदामा के ऊपर होगी। कृष्ण के जो परम मित्र तथा भगत थे, नाम था सुदामा। सुदामा और कृष्ण के बीच जो है काफ़ी गहरा संबंध है। सुदामा और कृष्ण जो बचपन के मित्र थे, वे एक विद्वान और ब्राह्मण थे। हालांकि वे जो गरीब थे, समस्त वेद पुराणों के जो है ज्ञाता थे। सुदामा की कहानी भागवत पुराण में मिलती है। सुदामा के बारे में और भी कुछ जानकारी है। सुदामा को दक्षिणी भारत में कुचेला के नाम से भी जाना जाता है। सुदामा और कृष्ण ने जो है उज्जैनी के समीप जो है आश्रम में पढ़ाई की थी। सुदामा अपने गांव के बच्चों को पढ़ाते थे और ब्राह्मण रीति के मुताबिक भिक्षा मांग कर अपना जीवन यापन करते थे। सुदामा की कहानी जो है कवि नरोत्तम दास ने जो है ब्रज भाषा में लिखी है। सुदामा की कहानी में और भी काफ़ी जो है बातें हैं। सुदामा ने जो कृष्ण से मिलने के लिए जो द्वारका की यात्रा की थी। सुदामा कृष्ण की समृद्धि देखकर शर्मा गए थे। सुदामा ने जो है पोए की पोटली छुपाई थी, लेकिन कृष्ण ने उसे खोलकर जो है पोए निकाले थे। सुदामा घर लौटने के बाद उसकी पत्नी ने सुंदर कपड़े पहने थे। सुदामा को जो कृष्ण का प्रेम याद आया और उनकी जो है आंखों में आंसू आ गए थे। एक बार जो है सुदामा की जो हालत बहुत ख़राब हो गई थी, तब जो वो श्री कृष्ण जी के पास गए थे और श्री कृष्ण ने जो उन्हें वो सब कुछ दिया जिसकी उन्हें जो है ज़रूरत थी। सुदामा का जो है अगर पत्नी की बात करें तो सुदामा की पत्नी भी जो कृष्ण की जो परम भगत थी। वीडियो आपको अच्छी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाली वीडियो के लिए जो बेल आइकन को जरूर दबाऊँ।